दोस्तों मैं नवाज आप सभी का वेलकम करता हूं इस चैनल पर। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो ऑफ एक्सेल सीरीज। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी खास होगा जो एक्सेल में बिगिनर है, तो जो भी एक्सेल अब सीखने की कोशिश कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इफ फंक्शन को, जो कि एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। इफ फंक्शन जो होता है काफी डिफिकल्ट चीजों को आसानी से सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, तो ये लॉजिकल फंक्शन का पार्ट होता है। तो जब भी हमारे को लॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटीज होती है वहां पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली इफ फंक्शन हमें हेल्प करता है हमारे डिजायर आउटपुट देने के लिए। जैसे कि मान के चलिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ तो लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे नवाज लिखा गया है और यहाँ पे नवाज जैर है, तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक अप्लाई किया है। जो आप नवाज देर देख रहे हो यहाँ पे कुछ लॉजिक है, मान के चलिए यहाँ पे नवाज है ही नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नवाज नॉट देर। और यहाँ पे अगर नवाज आ जाता है तो नवाज देर, है ना कमाल, कुछ तो कमाल हो रहा है राइट। यानी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये लॉजिक जानने की कोशिश की है कि अगर आपका ये सेल में नवाज है तो मुझे ये सेल में नवाज देर चाहिए, अगर ये सेल में आपका नवाज नहीं है तो यहाँ पे नवाज नॉट देर करके आना चाहिए। तो चलिए इफ फंक्शन को समझते हैं। इफ फंक्शन जो होता है कंडीशन चेकिंग फंक्शन होता है राइट। कंडीशन चेकिंग फंक्शन का मतलब ये हो गया कि मान के चलिए मैंने कुछ लॉजिक अप्लाई की है, अगर वो लॉजिक आपका ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, अगर वो लॉजिक आपका फॉल्स होता है तो आपको क्या करना है। बेसिकली अगर एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे आपके दिमाग में होता है कि अगर ऐसा हो तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर ऐसा ना हो तो मैं वैसा कर दूंगा राइट। अगर ऐसा हो ये आपका लॉजिक है राइट, तो सबसे पहला हमको ये चेक करना है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये चाहते हो कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको क्या करना है, और अगर ऐसा ना हुआ हो तो आपको क्या करना है। तो बेसिकली इफ भी ऐसे ही काम करता है। बेसिकली इफ बोलता है कि मुझे एक लॉजिक दो। अगर लॉजिक की बात की जाए तो हम एक्सेल की बात की जाए तो एक्सेल में ऐसा लॉजिक देना है जिसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स है। बेसिकली हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूजुअली आपको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देते हैं। वैसे ही अगर एंड एन और फंक्शन की बात की जाए तो वो भी आपको ट्रू एंड फॉल्स में देते हैं। अगर आपने ये वीडियोस ना देखे हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि ये वीडियोस आप पहले देख लो, मैं आपको आई आइकॉन में इसका डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम हमारे स्क्रीन पर एक सिंटेक्स समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स कैसे होगा। तो सबसे पहला शुरुआत होगी इफ से, पैरेंथेसिस ओपन होगा, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट मांगा जाएगा जहां पे मैं अपना लॉजिकल टेस्ट दूंगा जो आपका ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट करेगा। उसके बाद ये कहा जाएगा कि अगर आपका ये लॉजिक ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, वैसे ही अगर आपका लॉजिक फॉल्स होता है तो आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले ये सिक्वेंस आपके दिमाग में बिठा लेना है। तो सबसे पहले हमको लॉजिक पास करना है, वैल्यू इफ ट्रू के जगह पे हमको ट्रू यानी ट्रू पे क्या करना है यही डालना है, और वैल्यू इफ फॉल्स के जगह पे हमको क्या करना है वो ही डालना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि मुझे ट्रू पे कुछ नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली फॉल्स पे ही करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं ये ट्रू के जगह पे ही फॉल्स का स्टेटमेंट लिखते हैं, बिकॉज बोलते हैं कि हमारे को ट्रू पे कुछ नहीं करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर देखिए यहाँ पे ऑप्शनल ब्रैकेट दिए गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ नहीं देना है तो आप उस चीज को ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो हम कॉमा ब्लैंक कॉमा डाल के फॉल्स की वैल्यू डालेंगे, ना कि डायरेक्टली कॉमा के बाद फॉल्स की वैल्यू। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहला ये एग्जांपल क्या बोलता है, अगर आपके सेल एड्रेस A1 में A लिखा गया है तो आपका जो आउटपुट है A प्रेजेंट आना चाहिए, वरना आपका आउटपुट A एब्सेंट आना चाहिए। तो चलिए हम इसको कैसे लिखेंगे हम समझते हैं। तो हम इफ के साथ ओपन करेंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम A1 को सेल रेफर करेंगे और बोलेंगे कि A1 इज इक्वल टू A है या नहीं है। बेसिकली हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया बिकॉज हमको यहाँ पे ऐसा लॉजिक देना है जो हमको आउटपुट ट्रू और फॉल्स में देगा। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे कि A1 सेल में A है या नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका A है तो A प्रेजेंट लिख दे, अगर A नहीं है तो A एब्सेंट लिख दे। ओके चलिए हम इसको इवेल्युएट करके समझते हैं। चल मान के चलिए अगर आपका A1 में जो है A है तो आपका ये हो जाएगा ट्रू, अगर ट्रू हो जाएगा तो ये A प्रेजेंट कंसीडर किया जाएगा और आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये स्किप किया जाएगा। वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या,
तो यहाँ पे हम लेते हैं कि यहाँ पे अगर जैसे कि आपका जो A1 में A नहीं है तो आपका ये लॉजिक फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रू स्टेटमेंट स्किप किया जाएगा और डायरेक्टली आपका फॉल्स स्टेटमेंट को कंसिडर करके A एब्सेंट लिखा जाएगा। तो चलिए हम हमारे एक्सेल वर्कशीट पे आके इस एग्जाम्पल को अप्लाई करके समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मान के चलिए मेरे को ये सेल में आपका जो C1 सेल है यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ पे ये आउटपुट लाना है A प्रेजेंट या तो A एब्सेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे इक्वल टू के साथ, इक्वल टू के साथ शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे इफ से। इफ, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लॉजिकल टेस्ट क्या है, A1 इज इक्वल टू A है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। ओके, अब मैं डालता हूँ कॉमा, अब बोला जा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, अगर वैल्यू ट्रू है तो मुझे करना है कि A प्रेजेंट, मैंने A प्रेजेंट लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, इसलिए बिकॉज ये आपका टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जब भी हम यूज करते हैं तो हम डबल कोट्स का यूज करते हैं, बिकॉज टेक्स्ट के लिए हमको डबल कोट्स डालना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही अगर आपका लॉजिक फॉल्स होता है तो मैं चाहता हूं कि A एब्सेंट लिखा जाए। इसी के साथ हम इसी को क्लोज करते हैं, देखिए है ना कमाल, A प्रेजेंट आ गया। एक काम करते A को हटा देते, देखिए A जैसे ही हट चुका है ये वैसे ही आपका A एब्सेंट यहाँ पे आ चुका है। चलिए हम इस चीज को इवेल्युएट करके समझते हैं, तो हम जाते हैं फॉर्मूला टैब में इवेल्युएट फॉर्मूला के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन, आपका अंडरलाइन जो है एक वन के ऊपर है, इसका मतलब जब भी इवेल्युएट क्लिक होगा तो A1 में जो भी वैल्यू होगी वो पुल की जाएगी, तो A1 में A है। तो अब यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि A1 इज इक्वल टू A है क्या, तो आपका ये हो गया ट्रू। अब ये इफ क्या करेगा, अगर ट्रू है तो ये A प्रेजेंट जो भी ट्रू के जगह पे डाला गया है वो चीज को डिस्प्ले करेगा, देखिए यहाँ पे A प्रेजेंट आ गया है। अब एक काम करते हैं A को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे अब इस चीज को इवेल्युएट करके समझते हैं। तो देखिए मैं इवेल्युएट करूंगा तो वहां पे कुछ भी नहीं है, इसी के लिए यहाँ पे जीरो लिया गया है। अब ये कंपेयर हो रहा है कि जीरो इज इक्वल टू A है क्या, जो कि है फॉल्स, देखिए फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे अब फॉल्स आ चुका है तो फॉल्स की जगह पे A एब्सेंट लिखा गया है, तो यहाँ पे आपका A एब्सेंट डाला जाता है। तो इस तरह से आपका इफ फंक्शन काम करता है। अब कुछ हम एडवांस फंक्शन के साथ इस चीज को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एंड का यूज किया था, वहां पे जैसे कि हमने एक स्टूडेंट लिया था कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स थे, हिंदी मराठी इंग्लिश सब्जेक्ट थे। अब यहाँ पे पास और फेल था, तो एक बच्चा तभी पास होता है जब सारों में वो पास है। तो हमने यहाँ पे एंड फंक्शन का यूज किया था ये जानने के लिए कि एक बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास है या नहीं है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पास और फॉल्स और ट्रू आ रहा है। अब ये फॉल्स और ट्रू को हमको पास और फेल में कन्वर्ट करना है। यूजुअली फॉल्स और ट्रू आपने कहीं स्कूल में देखा है कि कोई मार्कशीट में फॉल्स और ट्रू लिखा जाता है, नहीं ना, तो हमको ये फॉल्स और ट्रू को पास और फेल में कन्वर्ट करना है। तो अब आप समझ गए हो कि अगर फॉल्स और ट्रू आता है तो इस चीज को कन्वर्ट करने के लिए जो चीज यूज होती है, जो फंक्शन यूज होता है, वो इफ फंक्शन होता है। तो आपको जब भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल हो कि मेरे पास एक लॉजिक आ रहा है जो ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, बट मैं ये ट्रू और फॉल्स नहीं चाहता हूँ, मैं ये ट्रू और फॉल्स की जगह पे कुछ और करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे हमको इफ फंक्शन को पिक्चर में लेना होता है। तो एक काम करते हैं, हम ये लॉजिक को कॉपी करते हैं। तो मैं इक्वल टू नहीं कॉपी करूंगा, मैं इक्वल टू के बाद से सारी चीजें कॉपी करूंगा। मैं इक्वल टू इसलिए नहीं कॉपी करूंगा बिकॉज ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इफ के अंदर जाने वाला है, तो इफ की शुरुआत ऑल इक्वल टू से हो जाएगी। तो अगर फंक्शन जब भी यूज होता है तो एक ही बार इक्वल टू से शुरुआत होती है, तो ये जो फंक्शन है ये इफ के अंदर नेस्ट होने वाला है, इसी के लिए हम ये इक्वल टू नहीं कॉपी करेंगे, इक्वल टू के बाद से कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आके हम फ्रेम करना शुरू करेंगे इफ इफ। अब ये लॉजिक मांग रहा है मुझसे, तो ये हो गया मेरा लॉजिक। अब ये लॉजिक है काफी बड़ा, बट आपको पता है कि ये लॉजिक एट दी एंड ट्रू और फॉल्स ही देता है। तो हमको ये ध्यान में नहीं रखना है कि लॉजिक छोटा हो या बड़ा हो, आपको ये ध्यान में रखना है आपको ऐसा लॉजिक देना है जिसका आउटपुट ट्रू और फॉल्स है। अब ये जो फॉल्स है, फॉल्स का मतलब है कि ये बच्चा फेल हुआ है, ओके, यानी ट्रू होगा तो इसका मतलब है वो पास होगा, तो हम ट्रू के जगह पे पास लिख देंगे और फेल के जगह फॉल्स की जगह पे हम फेल लिख देंगे। ओके, हम अभी पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, देखिए हो गया ना कमाल। अब देखिए जहां पे ट्रू था वहां पे आपका पास आ चुका है और जहां पे भी फॉल्स है उस जगह पे आपका फेल आया है। वैसे ही हमने कल और एक चीज देखी थी कि और के साथ भी हमने ये चीज निकाली थी,
राइट बट हमने एक चीज देखा था कि जब हम एंड का यूज करते हैं तो एंड हमें जो फेल होता है तो फॉल्स देता है, बट और का जब यूज करते हैं तो और हमें फेल होता है तो ट्रू देता है। बट अब प्रॉब्लम ये है, मान के चलिए अगर आपके पास 100 क्लास है और 50 टीचर लोग ने एंड का यूज किया, 50 टीचर लोग ने और का यूज किया, 50 टीचर के हिसाब से ट्रू का मतलब पास हो गया, 50 टीचर के हिसाब से ट्रू का मतलब फेल हो गया, तो यहाँ पे आपका केओस क्रिएट हो जाएगा। ओके, इसी के लिए हम यहाँ पे भी और की जगह पे भी हम इस चीज पे इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए, अब ट्रू का मतलब जो है ये फेल है, राइट, और फॉल्स का मतलब जो है यहाँ पे पास है, तो हम वापस से ये और से कॉपी करेंगे इक्वल टू छोड़ के और यहाँ पे हम इफ लिखना शुरू करेंगे। अब ये हो गया मेरा लॉजिक। अब ये ट्रू का मतलब है फेल, तो हम ट्रू के जगह पे यहाँ पे फेल लिखेंगे और यहाँ पे हम पास फॉल्स की जगह पे यहाँ पे पास लिखेंगे और यहाँ पे पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर हिट करेंगे और अब इस चीज को ड्रैग डाउन करेंगे। अब देखिए कमाल, भले से आपकी 100 क्लास है, 50 टीचर लोग ने एंड यूज किया, 50 टीचर लोग ने और का यूज किया है, बट एट द एंड देखो दोनों का दोनों रिजल्ट आपका सेम आया है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी केओस क्रिएट नहीं होगा, अब डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा फेल या पास। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स का कोई भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो इफ फंक्शन हमें इस तरह से भी हेल्प करता है। अब हम हमारे थर्ड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी साउथ है, साउथ को मुझे यहाँ पे 15 डालना है। अगर साउथ नहीं है, जैसे रीजन की यहाँ पे साउथ नहीं है, तो मुझे उसको ब्लैंक छोड़ देना है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर साउथ है तो ही 15 डालना है, बट ऐसा मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे साउथ को और यहाँ पे हम 15 डालेंगे, इस तरह से हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन सारे जगह पे होगा, बट फंक्शन वहीं पे 15 वैल्यू डालेगा जहाँ पे उसको रीजन साउथ मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे फंक्शन लिखना शुरू करते हैं। इफ मैं क्या चेक करूंगा, इफ v2 इज इक्वल टू साउथ। देखिए v2 में क्या है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको ये नहीं चेक करना है कि v2 में साउथ है या नहीं है। देखो हमको ये चेक करना है कि रीजन जो भी v2 सेल है वहां पे साउथ है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साउथ लिखेंगे ना कि वेस्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे v2। अगर v2 में साउथ है तो हम जैसे कह रहे हैं कि अगर ट्रू हो गया, अगर v2 में साउथ आ गया तो हम क्या चाहते हैं 15। अब मैं डबल कोट्स में नहीं लिखूंगा क्योंकि 15 एक नंबर है। ओके, अब जैसे कि मुझे फॉल्स पे कुछ नहीं करना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि फॉल्स पे ब्लैंक आ जाए। अगर आप फॉल्स की जगह पे कुछ नहीं डालोगे तो अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देखिए मान के चलिए मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने ऐसे ही ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे फॉल्स की जगह पे फॉल्स आ जाएगा क्योंकि आपने बताया नहीं कि फॉल्स की जगह पे क्या करना है। बट हमको फॉल्स की जगह पे ब्लैंक करना है, तो मैं डबल कोट्स को ओपन करूंगा और डबल कोट्स को वैसे ही क्लोज कर दूंगा, ना स्पेस दूंगा ना कुछ भी दूंगा, डायरेक्टली ओपन और क्लोज कर दूंगा। देखिए अब क्या हो गया, ये आपका ब्लैंक हो चुका है। बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, बट देखिए जैसे मैं C2 पे आता हूँ, ऊपर फॉर्मूला बार में आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम ये फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, नीचे तक ड्रैग करते हैं। देखिए जहां जहां साउथ है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका 15 आ चुका है। तो इस तरह से हम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल 4 को लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी तक हमने इफ फंक्शन के साथ सिर्फ वैल्यूज पुट करने की कोशिश की, राइट, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को नहीं पुट करेंगे, अभी हम एक फंक्शन के बेस पे दूसरे फंक्शन को रन करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन समझ लो, यहाँ पे एक रेंज दी गई है D2 से लेके D19। ओके, एक रेंज है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपका ये जो C20 है इसमें सम लिखा गया है, तो मैं ये रेंज का एडिशन चाहता हूँ, यानी मैं ये रेंज का टोटल चाहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा हूँ। ओके, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, तो यहाँ पे आपका सम हो रहा है E20 में। अगर मैं ये सम को हटा देता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये एवरेज हो रहा है, राइट, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी ने आके C20 में सम लिख दिया तो ऑटोमेटिकली ये रेंज का सम होना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ से सम को हटा दिया या सम की जगह पे कुछ भी लिख दिया तो ऑटोमेटिकली वो रेंज का आपको एवरेज करना है। ओके, तो हम अब देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, तो हमारा लॉजिक कहाँ चेक होने वाला है, C20 में। हमको ये चेक करना है कि C20 में सम है या नहीं है, ये मेरा लॉजिक हो गया। ओके, तो हम इफ से शुरुआत करते हैं। अब इफ को क्या बोलते हैं, चेक करो कि C20 इज इक्वल टू सम है या नहीं है, यानी वहां पे सम लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। ओके, अब बोलता है कि अगर है तो क्या करना है, तो मैं बोलूंगा सम फंक्शन अप्लाई करना है।
तो मैं लिखूंगा सम फंक्शन, अगर सम नहीं है तो मैं लिखूंगा एवरेज फंक्शन अप्लाई करना है और मैं रेंज दे दूंगा। तो इस तरह से हमने दे दिया। देखिए अभी यहाँ पे सम नहीं है इसीलिए यहाँ पे एवरेज हो रहा है। चलिए हम आते हैं और यहाँ पे सम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम हो गया। तो आपका फंक्शन ये है कि C20 में सम है या नहीं है, अगर है तो सम फंक्शन अप्लाई करो वो रेंज पे D2 से लेके D19, अगर सम नहीं है तो बाई डिफॉल्ट आप एवरेज फंक्शन अप्लाई करो D2 से लेके D19 तक। तो होप गाइस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि इफ फंक्शन का कैसे यूज करना है और इफ फंक्शन का हम कब कब यूज करेंगे। तो इसी के साथ मैं जल्दी ही नेस्टेड इफ का भी वीडियो अपलोड करूंगा जो कि आपका इफ का एडवांस फंक्शन होता है। बिकॉज इफ में हम सिर्फ एक ही कंडीशन फिलहाल चेक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन की बात हो कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कर दो, अगर ऐसा नहीं है तो वैसा कर दो, अगर वैसा भी नहीं है तो ऐसा कर दो, अगर आपके पास मल्टीपल लॉजिक्स है और आपको मल्टीपल लॉजिक्स पे एक्शन करना है तो उस केस में हमारा ये इफ फंक्शन नहीं काम करता है, वहां पे हम नेस्टेड इफ को पिक्चर में लेके आते हैं। तो नेस्टेड इफ के ऊपर भी जल्दी से एक वीडियो आएगा, तब जाके आपका इफ कंप्लीट होगा। तो गाइस हम इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको काफी अच्छा लगा होगा और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो एक्सेल दिल से सीखना चाहते हो, तो जरूर उन लोगों तक शेयर करो ये वीडियो को। उसी के साथ लाइक ऑलवेज स्टे फिट, स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।